Shanti. 29 सितंबर बाबा हम सभी को याद दिलाते हैं कि वे लोग तो वन उत्सव मनाते हैं, पेड़ लगाते हैं, हरियाली करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। संसार तो कांटों का जंगल बन गया है, पेड़ कट गए हैं, इसलिए कहीं बारिश नहीं होती, कहीं बहुत ज़्यादा होती है। बाबा कहते हैं तुम तो रोज उत्सव मनाते हो भारत को स्वर्ग बनाने का, मनुष्य को देवता बनाने का। तुम्हारा उमंग उत्साह में रहना ही उत्सव है। तो ये नशा रहे, ये उमंग उत्साह रहे, ये स्मृति रहे, हम इस संपूर्ण भारत को स्वर्ग बना रहे हैं अपने योग बल से। हम बाबा के मददगार बन गए हैं, उसने हमारा आह्वान किया, हम आ गए उसकी सेवा के लिए। तो ये नशा बहुत बड़ा है, रोज हमारे जीवन में उत्सव है। तो ये जो मुरझाहट आती है, जो व्यर्थ संकल्पों के कारण निगेटिविटी आती है, खुशी नष्ट होती है, इससे हम ऊपर उठ जाएंगे। बहुत बड़ी प्राप्ति हमारे सम्मुख है, उसकी स्मृति में हमें रहना है। बहुत बड़ा कार्य हमें मिला हुआ है, उसको करना भी है और उसकी स्मृति में भी रहना है। तो जिनको बड़े काम करने होते हैं उनके पास व्यर्थ के लिए समय ही कहाँ होता है। हमें तो संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। जो भी हमसे मिलने आए वो सुख की अनुभूति करके जाए, ऐसा सुखदाता बनना है। पर ये कब होगा? देखिए आगे चलकर तो यही होना है ना, दुखों के संसार में पहाड़ गिरेंगे, अति दुखी होकर आत्माएं हमारे पास आएंगी, हमें दृष्टि देकर, वाइब्रेशंस देकर उनके दुखों को समाप्त करना होगा, उन्हें सुख देना होगा, सुख की फीलिंग करानी होगी। ये वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबा काल अपने जीवन को दुखों से मुक्त रखा है, जिन्होंने ईश्वरीय सुख, मैं कहूँ उनका भंडार अपने को बना लिया है। सवेरे सुख मिलते हैं, मुरली में सुख मिलते हैं, योग युक्त रहने से ईश्वरीय सुख की संपदा हमारे अंदर समाती जाती है। और जब ये संपदा पूरी तरह समा जाएगी तब हमारे वाइब्रेशंस इतने सुंदर होंगे, उन वाइब्रेशंस में जो भी आएगा, जिस पर भी हमारी दृष्टि पड़ेगी, उसके दुख नष्ट होंगे, वो सुखी होकर लौटेगा। ऐसे मास्टर सुखदाता हमें बनना है। बाबा जो कुछ है उसमें हमको मास्टर बनना ही है। आज बहुत सुंदर बात बाबा कह रहे हैं, 100% गुणवान तुम्हें बनना है। अपने अंदर सभी गुणों की धारणा पूरी पूरी कर लेनी है। हम अपने को चेक करें दिल दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में अपने पर नजर डालें। मैं क्रोध मुक्त हुआ, काम पर विजय हो गई, क्योंकि पवित्रता ही सभी गुणों का आह्वान कराती है। मेरा अहंकार और मैंपन छूटता जाता है, नम्रता और निर्माणता बढ़ती जाती है, मेरी वाणी अमृत तुल्य होती जा रही है, मेरा अहंकार लोप हो रहा है। इस सब को धारण करना है। हम 10-12 गुणों की एक लिस्ट बना लें अपने पास, जैसे संतुष्टता, सरलता, क्षमाशीलता, शुभ भावनाएँ, धैर्यता, सत्यता, निरहंकारिता। इस तरह कुछ गुण हम चुने, अंतर्मुखता है, सुखदायी स्वभाव है। अपने संस्कारों पे भी नज़र डाल लें और उन्हें हमें जीवन में लाना है, इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न देवता बनना है। अब तक तो गाते थे, हे प्रभु मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, पर अब हमें ये गाना नहीं है, हमें तो सर्व गुणों में संपन्न बनना है। तो इस पर भी ध्यान दें, क्लासेज में भी इस पर चर्चा करें, एक एक गुण लेकर उसकी व्याख्या करें, एक एक गुण अपने में चेक करें, जो कमी है उसको भर लें। मान लो हमारे बोल अच्छे नहीं हैं,
हमारे बोल तो स्वीट, दूसरों को सुख देने वाले, बहुत सॉफ्ट, ईश्वरीय ज्ञान की झलक डालने वाले होने चाहिए। इस पर चर्चा करें, और अगर नहीं है तो कैसे उसको भरें, मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ध्यान दें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो गुण हमारे अंदर बढ़ते ही जाएंगे। संतुष्टता का गुण बहुत सुंदर है, भगवान को पाकर मैं आत्मा संतुष्ट हुई। अहंकार किसका, जिन्होंने देख लिया स्वयं ब्रह्मा निरहंकारी, स्वयं परमपिता मालिक त्रिलोकी नाथ निरहंकारी। बुद्धि तो बहुत छोटी है हमारे पास, बुद्धिमानों का बुद्धि, जो बुद्धि का भी सागर है, जिससे सब बुद्धि की याचना करते हैं, वो निरहंकारी है। हमारे अंदर अहंकार कहाँ से आया, इस तरह अपने से बात करें, और इन गुणों को जीवन में धारण करने का संपूर्ण प्रयास करें, तो ये आएंगे। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ेगी, हम सोल कॉन्शियस होंगे, तो गुणों का जैसे आह्वान होगा, हम आत्मविमानी होने का अभ्यास करें, और बस ध्यान दें कि मुझे तो सहनशील बन के रहना है, मैं तो सहनशीलता की देवी हूँ, सहनशीलता तो मेरा श्रृंगार है। तो आत्मविमानी होने के कारण इन चीज़ों की सहज धारणा होने लगेगी। तो विधि है आत्मविमानी बनना, पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना, योग के अभ्यास को बढ़ाना, फिर गुणों पे ध्यान देना, तो हमारा जीवन सर्वगुणों से संपन्न होता ही जाएगा। लास्ट सुंदर बात बाबा कह रहे हैं, मुझ शिव बाबा को अपना संसार बना लो, तो सर्व प्राप्तियां तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि सब कुछ प्राप्त कराने वाला बीज मैं हूं। तो बाबा ही मेरा संसार है, उससे ही मुझे सब कुछ प्राप्त करना है, वही मेरे नैनों में है, वही मेरे मुख पर है, वही मेरे जीवन में है। देखिए भगवान तो अब हमारे जीवन में समा गया ना, जीवन में एक साथी बन गया, उसकी ही गाइडेंस पर हम जी रहे हैं, उसके ही साथ में हम चल रहे हैं, उसकी छत्र छाया में हम सुरक्षित रहकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वही हमारा सब कुछ है। इस नशे में आज रहेंगे, बाबा मेरा सब कुछ है, और अपने महान कार्यों को याद करेंगे, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, इस नशे में भी रहेंगे और इसकी फीलिंग में भी आएंगे। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।